गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th, वेलकम बैक टू योर सोशल स्टडीज़ क्लासेस। ओके, सो क्लास 8th स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग लेसन नंबर 3 इन सिविक्स पोर्शन, एंड द नेम ऑफ द लेसन नंबर 3 इज़ द नीड फॉर द पार्लियामेंट। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कर लिए हैं इस चैप्टर के, एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, एंड इन दिस लेक्चर विल एंड दिस चैप्टर, हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। ओके, सो टू स्टडी फर्दर, एवरी वन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 328। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे कि पार्लियामेंट हमारे लिए किन किन मायने में यूज़फुल है, तो इसी सीरीज़ में हम लोग आज पढ़ेंगे मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, कि पार्लियामेंट हमारे देश के लिए क्या काम आती है, वो क्या करती है कि हमारे देश का कानून बनाने में सबसे बड़ा सहयोग जो है वो पार्लियामेंट का है। तो ये हम लोगों ने कर लिया था मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। अब आज पढ़ेंगे MPs इन पार्लियामेंट। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? MPs इन पार्लियामेंट, और उसके बाद ही इसको पढ़ेंगे और हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो MPs को बच्चों हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MPs बोलते हैं। और पार्लियामेंट में कौन सदस्य होते हैं? जो लोग पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं उनको हम लोग किस नाम से उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर कॉल्ड MPs, दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ये दोनों मिलकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों? फ्रॉम द टाइम इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस टू द प्रेजेंट, अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस एज रिगार्ड्स द MPs हु फॉर्म द पार्लियामेंट। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम से लेकर के अभी तक क्या हुआ कि बहुत अलग अलग तरीके के चेंजेस हमारे देश में आए हैं, और इसी सीरीज़ में जो चेंजेस हैं MPs को फॉर्मेशन को लेकर के, ठीक है, उसमें भी आए हैं। क्या लिखा है? इन अदर वर्ल्ड्स कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव विथ मोर एंड मोर MPs कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो क्या बताया जा रहा है कि अगर हम पहले की बात करें तो पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, जो नेता लोग होते थे, जो MPs होते थे, वो उतने डाइवर्स बैकग्राउंड से नहीं आते थे। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमारा देश, देखिए हमने आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ बताई है कि हमारा जो नेशन है इट इज़ अ वेरी डाइवर्स नेशन। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की कम्युनिटी के लोग, क्रीड के लोग, कास्ट के लोग, रिलीजन के लोग रहते हैं। तो हर एक रिलीजन के का हित में सोचना, हर एक क्रीड, कास्ट और हर एक डाइवर्सिटी के बारे में सोचना हमारे देश के नेताओं का धर्म है। तो इस चीज़ के लिए अगर पार्लियामेंट में उन हर एक जो डाइवर्सिफिकेशन हमारे देश में, अगर हर एक ग्रुप के लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे हमारे देश में, पार्लियामेंट में आएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे और वो अपने ग्रुप के भलाई के लिए सोचेंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन होना पार्लियामेंट में इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पहले जो था उससे कहीं ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन अभी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हमें दिखाई पड़ेगा। जैसे कि लिखा है यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस नाउअडेज देयर आर मेनी MPs फ्रॉम वेरियस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए तो अभी क्या, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको दिखाई पड़ेंगे पार्लियामेंट हाउस में जो कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे कि BJP और इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, वो रीजनल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। जैसे तमिलनाडु की आपकी हो गई AIADMK, ठीक है, वेस्ट बंगाल की हो गई, तो इस तरीके से। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल्सो देर आर मोर MPs कमिंग फ्रॉम दी रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे MPs हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, मतलब वो गांव के लोगों की बातें अपने सबके सामने रखेंगे, तभी तो गांव के लोगों का परेशानी भी सॉल्व हो पाएगा। फिर क्या लिखा है, द सेक्शंस ऑफ पीपल हु वर नॉट रिप्रेजेंटेटेड अर्लियर इन पार्लियामेंट आर नाउ बीइंग रिप्रेजेंटेटेड। तो जो सेक्शन ऑफ पीपल को पहले रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं मिलता था, वो उनका भी अब रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट सच एज दलित्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट हैव स्टार्टेड टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। तो जो SC ST हो गए, जैसे कि दलित हो गए ना, और OBCs हो गए, ये लोग भी अब
पॉलिटिकल अफेयर्स के, हमारे देश के पॉलिटिकल अफेयर्स में ये लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द वोटर टर्नआउट ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन इन द कंट्री. तो इसी बात से हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि देखिए अभी क्या होता है कि पहले लोग इतना वोट वगैरह नहीं करते थे, पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, अवेयर नहीं थे. लेकिन अभी क्या है, जब आप देखेंगे कि वोटर टर्नआउट है, मतलब कि वोटिंग परसेंटेज जो है हमारे देश का, वो हर साल बढ़ता जा रहा है. और इससे ये समझ में आता है कि अब लोग ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों में, लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस है, उन्हें ये पता है कि अगर हम इस नेता को जिताएंगे तो ये काम करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, कब हुआ होगा, 51 to 52 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें वोटर टर्नआउट कितना था बच्चों, 44.87%, मतलब 44.87% लोगों ने वोट किया था. वहीं अगर हम 15th जनरल इलेक्शंस की बात करें जो कि 2009 में हुआ था, तो वोटर टर्नआउट कितना बना, 59.07%, मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना, 44.87% से 59.07% इंक्रीज हुआ, मतलब कि लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में डेवलप हुआ. कंट्री विटनेस्ड द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट. अब देखो सबसे ज़्यादा वोटर का वोट कब, मतलब वोटर्स कब मिल, जो वोटर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट कब दिया है, ज़्यादातर लोगों ने वोट कब दिया है, परसेंटेज रीज टू द 60s इन द 4th, 6th and 8th जनरल इलेक्शंस. तो 4th, 6th और 8th जनरल इलेक्शंस की बात करें तो देखो, 4th इलेक्शन हुआ था 1967 में, जिसमें 61.04% लोगों ने वोट किया. फिर 6th इलेक्शन जो कि 1977 में हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, अब 67 के बाद डायरेक्ट 77 में इलेक्शन हो रहा है, जो कि 5th के बाद 6th आ रहा है, ये 75 के इमरजेंसी के बाद की बात हो रही है. तो इसमें क्या हुआ, 60.49% लोगों ने वोट किया. और 8th लोकसभा इलेक्शंस की अगर हम बात करें, जो कि 84 में हुआ, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन के जो बाद हुआ, जिसमें राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उसमें लोगों ने 63.56% लोगों ने वोट किया. तो देख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा जो हमारा परसेंटेज है वोटर टर्नआउट का, वो है 1984 में, जब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जो आपका क्या हुआ था, जनरल इलेक्शंस यहाँ पे दिया हुआ था ना, 1984 का आप में दिया हुआ था ना वो चार्ट. हाँ, 1984 का चार्ट आप में दिया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 404 सीट्स मिली थी. तो यहाँ से आप हिस्ट्री भी समझ सकते हो पॉलिटिक्स की, क्योंकि पॉलिटिक्स भी हिस्ट्री है. पॉलिटिक्स की क्या कहानी है, कब कौन सी पार्टी की फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से NDA जो थी वो गठबंधन की सरकार बनी थी ना, कोलिशन गवर्नमेंट बना था. तो पॉलिटिक्स का भी अपना इतिहास है. ओके, यहाँ पे फोटो देख लीजिए आप लोग, आवर पार्लियामेंट हैज़ नाउ बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ों को समझ लिया, आगे बढ़ेंगे. एंड दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ योर लेसन. डिड यू नो, में बच्चों क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द परसेंटेज ऑफ वुमेन MPs वॉज ओनली 4. तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था हमारे देश को, जब आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम पे जो वुमेन का परसेंटेज था वो कितना था, सिर्फ और सिर्फ 4%. मतलब 100% अगर पार्लियामेंट को मान लें तो उसमें सिर्फ 4%, अगर 100 सदस्य, आप लोग सपोज करिएगा, पार्लियामेंट में कभी भी 100 सदस्य नहीं बैठेंगे, लेकिन आप लोग सपोज करिएगा अगर 100 सदस्य बैठे हैं पार्लियामेंट में, उसमें बस 4 महिलाएं रहती थी, तो कितना कम परसेंटेज था. अभी क्या है, टुडे दिस परसेंटेज स्टैंड्स एट अ लिटिल ओवर 9. अभी क्या है, 9. अभी भी देखिए पार्लियामेंट में वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो है नहीं कायदे से. तो वुमेन जो है हमारे देश में औरतों की आधी आबादी है ना, अगर पुरुष, अगर हम पूरी आबादी की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो उसमें से आधी आबादी महिलाओं की है और आधी आबादी पुरुषों की है. तो अगर पार्लियामेंट में 100 लोग बैठ रहे हैं तो 100 लोग में से 50 महिलाएं बैठनी चाहिए, 50 पुरुष बैठने चाहिए. लेकिन कंडीशन क्या है, ये अभी करंट की कंडीशन आपको बताई जा रही है कि ये परसेंटेज अभी भी 9% है. मतलब कि अगर पार्लियामेंट में 100 लोग बैठ रहे हैं तो उसमें सिर्फ 9 ही औरतें महिलाएं बैठ रही हैं. तो सोचिए पॉलिटिक्स में महिलाओं का अभी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो नहीं पाया है. इसमें आप देख सकते हो नाम जो दिग्गज महिलाएं, जैसे कि सुषमा स्वराज हो गई, ठीक है, इनका तो देहांत हो गया. फिर रेणुका चौधरी, ममता बंदोपाध्याय, बृंदा कराट, वर 4 वुमेन MPs बिलोंगिंग टू 4 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. यहाँ से आप ये देख सकते हो. उसके बाद क्या लिख रहा है, देयर आर कम्युनिटीज़ इन इंडियन सोसाइटी विच हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड. तो देखो
ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में जिसको मार्जिनलाइज कम्युनिटी कहा जाता है, मतलब उनको हम लोग आरक्षण देते हैं, उनको हम लोग रिजर्वेशन देते हैं, क्योंकि उनको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग उनको रिजर्वेशन देते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने आप से सब कुछ कर सके, तो इसलिए सरकार को उनको आरक्षण देना पड़ता है ताकि उन लोग का अपलिफ्टमेंट हो सके, उन लोगों की स्थिति थोड़ी सुधर सके। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू गिव देम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पार्लियामेंट में भी स्टेप्स लिया गया उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर दी एसटीज, ठीक है, कुछ सीट्स सोशल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है और कुछ सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है पार्लियामेंट में, ठीक है। द थॉट बिहाइंड रिजर्विंग सीट्स फॉर दीज कम्युनिटीज इज दैट व्हेन एमपीज गेट इलेक्टेड फ्रॉम दीज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे विल एडिक्वेटली रिप्रेजेंट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्या सोच रखा गया है कि भाई अगर जो MPs SC और ST कैटेगरी के होंगे अगर उनको हम रिजर्वेशन देंगे तो वो ऑब्वियस बात है वो आकर के पार्लियामेंट में बैठेंगे, उनको चुन के आएंगे और वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी कम्युनिटी के लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। आगे क्या लिखा है, ऑल दो मच हैज़ बीन अचीव्ड एज रिगार्ड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन पार्लियामेंट देयर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो। यहाँ पे ये लिखा है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें पार्लियामेंट में करने को बाकी हैं, इतना काम करने के बावजूद भी अभी भी बहुत कुछ करने को है। आगे लिखा है जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डज नॉट ऑलवेज गिव अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो देखिए अब कुछ खामियां आपको बताई जा रही हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी की, और लिखा है यहाँ पे कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अगर कोई देश तो डेमोक्रेसी और वहाँ के लोग नेता जो लोग हैं वो पार्लियामेंट में दिखा रहे हैं कि हम लोग डाइवर्स नेशन से आते हैं और हमारे पास जो है वो सरकार को चलाने की ताकत है, मतलब सारी की सारी ताकत हम लोगों के ही द्वारा चुनी गई लोगों में है, तो ऐसा हमेशा अच्छा नहीं है कि ये हमेशा सोसाइटी के लिए अच्छा ही हो। जैसे कि टेक द केस ऑफ वुमेंस रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, अगर हम वुमेंस रिप्रेजेंटेशन की बात करें पार्लियामेंट में, तो ऑल द वुमेन फॉर्म नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब देखिए जो बात मैंने आपको पहले बताई वो ये बाद में बता रहे हैं आपकी बुक में। यहाँ पे हमने बताया ना कि हमारे देश की आधा आबादी तो महिलाओं की है, अगर हम आधी आबादी को क्रश कर देंगे, आधी आबादी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, आधी आबादी को अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे हर जगह पर, तो क्या हालत होगी। आप यही समझो कि अगर आपका पेट चार रोटी में भर रहा है और आपको दो रोटी ही खाने को दे दिया जाए, तो आपका कभी पेट जीवन में भरेगा, आप कभी हेल्दी रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ना। तो उसी तरीके से हमारे देश में दो बराबर बराबर लोग हैं, आधी आबादी महिलाओं की, आधा आबादी पुरुष का है, तो जब तक पुरुषों को खाली आगे बढ़ाया जाएगा और महिलाओं को अपलिफ्टमेंट नहीं दिया जाएगा, अगर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, उनको उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो कभी भी देश हमारा ग्रो नहीं कर सकता है, कोई भी देश ग्रो नहीं कर सकता है, कोई भी नेशन ग्रो नहीं कर सकता है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाउएवर यू वुड हैव रीड इन द न्यूज़पेपर्स और हर्ड इन द टेलीविजन दैट वुमेन आर डिमांडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर देम। तो पार्लियामेंट में भी वुमेन के रिजर्वेशन की बात चल रही है कि इन लोग वुमेन को भी आरक्षण, तो तभी तो वो अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाएंगी। अगर इस तरीके से नहीं आ पा रही हैं तो आप उनको आरक्षण दे करके उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करो। तो इट इज़ लार्जली ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट एंड सिंसियर एफर्ट्स दैट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और द बिल विच एम्स टू 33% ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द लोकसभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वॉज पास्ड इन द अपर हाउस राज्यसभा ऑन 9th March 2010। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए तो वुमेन ने बहुत सारा संघर्ष किया, महिलाओं ने, ठीक है, कॉन्स्टेंट संघर्ष किया, बार बार किया, ठीक है, और सिंसियर एफर्ट्स किया। तो इसके बाद क्या हुआ, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास किया गया। इसके अंतर्गत क्या है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के अंतर्गत क्या डिमांड किया था वुमेन ने, महिलाओं ने ये डिमांड किया था कि 33% हम लोगों को आरक्षण चाहिए, कहाँ पे, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को 33% आरक्षण चाहिए इसके लिए। और कहाँ कहाँ पे चाहिए, सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, ठीक है, लोग लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि अलग अलग स्टेट्स के होते हैं उसमें भी 33% आरक्षण चाहिए। और इस बिल को पास किया गया राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को। इट ओनली नीडेड टू बी पास्ड बाय द लोकसभा बिफोर इट बिकम लॉ। अब देखिए कोई भी बिल लॉ बनने से पहले वो कई प्रोसीजर से गुजरता है, ठीक है, पहले राज्यसभा में पास होगा, फिर वो लोकसभा जाएगा, फिर लोकसभा से पास होगा,
फिर लोकसभा से पास होने के बाद उस पर प्रेसिडेंट का साइन होगा, तब जा करके वो बिल जो है वो एक्ट बनेगा, लॉ बनेगा। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, अभी राज्यसभा ने तो 9 मार्च 2010 को ये वाला बिल पास कर दिया। अभी कहाँ से पास करना था, अब लोकसभा से पास करना था। लेकिन लोकसभा नेवर वोटेड ऑन द बिल। लोकसभा के जो पार्लियामेंट में वही पुरुष प्रधान जो पार्लियामेंट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या पुरुषों की है, उन्होंने वोट नहीं किया। महिलाओं को आरक्षण देने से उन लोगों ने वो कतरा गए और उन्होंने वोटिंग नहीं की। इस वजह से क्या हो गया, बिल लैप्स हो गया, बिल बेकार हो गया, वो कानून बन ही नहीं पाया। द बिल लैप्स्ड आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ द 15th लोकसभा इन 2015। और हर सरकार अलग अलग तरीके का मतलब कानून का प्रावधान लाती है कि ऐसा ऐसा किया जाए समाज के उत्थान के लिए। तो उस तरीके से क्या हुआ यहाँ पे, 15th लोकसभा 2015 में डिसॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया, और उसके साथ ये बिल भी क्या बोले अब कब्रिस्तान में चला गया। इंसिडेंटली द बिल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इन सेप्टेम्बर 1996 बाय द देन लॉ मिनिस्टर रमाकांत डी खिलाफ। तो इस बिल को पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे, 1996 में लोकसभा में लॉ मिनिस्टर के द्वारा, जो कि रमाकांत डी खिलाफ उनका नाम था। तो आज तक ये आप लोग याद रखिए कि लोकसभा में महिलाओं के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को बच्चों ये बता देते हैं कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं ना, जो आपका जिला परिषद का चुनाव हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का जो चुनाव होता है, गांव वगैरह में पंचायत का चुनाव आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है। तो अब देखो, अब इतना ये एक्ट जो बिल अगर कोई आता है तो उसको एक्ट बनने में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। हमने आपको बताया ना, पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट देखेंगे, और अगर सरकार अगर मेजॉरिटी में रही तो ये काम कर पाएगी, नहीं अगर मेजॉरिटी में रही गठबंधन की सरकार है तो ये तो शायद सपना ही हो जाए। तो देखिए, इतना मेहनत करने के बाद भी अभी लोकसभा में रिजर्वेशन का बिल महिलाओं का भी नहीं पास हुआ। और इसीलिए ये कंडीशन है आज की, अगर 100 लोग पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं तो उसमें खाली 9 महिलाएँ हैं, तो कैसे महिलाओं का अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। तो यही आप यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का आपको यहाँ पर ड्रॉबैक बताया जा रहा है। Thus, democratic system is not representative in it and a lot can be done to make it more representative. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अभी जो democratic system है वो इतना representative नहीं है कि वो सबके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, सबके अच्छाई के लिए काम करे। अभी इसको और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हो गया। ग्लॉसरी आप लोग खुद से पढ़ेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर आप लोग खुद से पढ़ेंगे, और पॉइंट्स इन ब्रीफ, और बाकी हम लोग करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। ओके क्लास, थैंक यू।